हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ममा एंड बेबी। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ न्यूबॉर्न से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल टिप्स जो आपके काम आएंगे, जिनकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, न्यू न्यू मॉम्स जो बनी हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले मेरा टिप ये रहेगा, जब बेबी होता है तो क्या होता है कि आप जब उसको घर में लाते हो तो बहुत सारे लोग उससे मिलने आएंगे। ऑब्वियसली ये होता है, हर घर में बच्चे से मिलने सब लोग आते हैं। तो जब भी कोई विजिटर आए तो आप क्या करें, सबसे पहले उनको सैनिटाइजर लगाने को बोले, उसके बाद ही बच्चे को उनकी गोद में दे, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। स्टार्टिंग में बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए आप हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें ताकि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चा आपका काफी घंटों तक सोया रहता है, 5-6 घंटे तक भी वो लगातार कई बार सोया रहता है। बट बच्चे को आप जब स्टार्टिंग के 1-2 मंथ से, उसमें हर 2 घंटे में आप फीडिंग जरूर कराए बच्चे को, उसको भूखा ना रहने दे। हर 2 घंटे में बच्चे को फीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका पेट क्या छोटा सा होता है और वो सुसु बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो उनको भूख बहुत जल्दी लगती है। तो हर 2 घंटे में बच्चे को फीडिंग कराना बहुत जरूरी है, इससे उनकी हेल्थ भी अच्छी बनती है, वेट गेन में भी हेल्प मिलती है। अब नेक्स्ट थिंग, बच्चे को जब भी हैंडल करे तो उसके नेक में हाथ जरूर रखे, क्योंकि उनकी नेक इस टाइम बहुत सेंसिटिव होती है। तो उसको हैंडल जब करे तो प्रॉपर इस बात का ध्यान रखे कि नीचे उसके नेक के एक सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नेक की क्या है, उनके अभी भारी रहती है, वो संभाल नहीं पाते बच्चे अपनी गर्दन। तो हमेशा सपोर्ट से ही पकड़े, एटलीस्ट मतलब 5 मंथ तक आप बच्चे को सपोर्ट जरूर दें नेक में, इस बात का ध्यान रखें। और नेक्स्ट, बच्चे को आप बर्पिंग जरूर कराएं, हर मतलब जब भी आप फीडिंग कराओगे उसके बाद बर्पिंग बहुत जरूरी है, इससे उनको गैस प्रॉब्लम कम होती है। तो हर फीडिंग के बाद बर्पिंग यानी कि डकार दिलाना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। और नेक्स्ट थिंग ये कि बच्चे क्या है कि जब आप सुलाओगे तो बच्चे एक ही पोजीशन में सोए रहते हैं, अगर वो लेफ्ट में तो वो लेफ्ट में रहेंगे, अगर वो स्ट्रेट है स्ट्रेट रहेंगे, राइट है राइट रहेंगे। मतलब बच्चे तो अपने आप से पोजीशन नहीं चेंज कर पाते स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल के बाद उनकी पोजीशन चेंज करना बहुत जरूरी है। नहीं तो होती क्या प्रॉब्लम है कि अगर बच्चा एक तरफ सोया रहेगा तो उसके हेड की जो शेप है वो बिगड़ जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो अगर आपको बच्चे की गोल शेप लानी है तो उसको कभी सीधा, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में चेंज करते रहे पोजीशन, चेंज कर करके पोजीशन आप बच्चे को सुलाए। और भी क्या होता है, अगर बच्चे को आप एक ही पोजीशन में रखते हो, बच्चे को पसीना पड़ जाता है तो उससे भी रैशेस का खतरा होता है। आप देखना, अगर एक ही पोजीशन में बच्चे को ऐसे हम लेटा के रखें तो उसको पसीना बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अपने आप से मूव नहीं कर पाएगा, गर्मी भी लगेगी। तो इस बात का ध्यान आप रखें कि बच्चे की पोजीशन को आप चेंज करते रहे थोड़े थोड़े इंटरवल में। और स्टार्टिंग में बच्चे को आप बिल्कुल भी किस ना करें, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बाहर के लोग, बच्चे को किस बिल्कुल भी नहीं करना है। किस करने से बच्चे को क्या होता है, एकदम से इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बहुत सारे दाने उभर आते हैं। तो कभी भी भूलकर बच्चे को आप स्टार्टिंग में किस ना करें, छोटे जो बच्चे, और कोई और भी करे तो उसको आप टोक दें एक बार को कि अभी बच्चे को किस करना नहीं चाहिए, क्यों बच्चों में एलर्जी हो जाती है। तो इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको अभी दूध पूरा नहीं हो रहा है, ये कंडीशन बहुत लोगों के साथ होती है, तो आप बच्चे को प्लीज बॉटल ना दे अभी स्टार्टिंग में। एटलीस्ट 3 मंथ तक बच्चे को आप बॉटल ना दे, और स्पून के थ्रू ही आप जो बाहर का मिल्क दोगे स्पून के थ्रू आप पिलाए, क्योंकि होता क्या है, इससे निप्पल कन्फ्यूजन हो जाता है। यानी कि बच्चे को मतलब अगर आप बॉटल से दूध देगा तो उसको बॉटल की आदत पड़ जाएगी, फिर वो आपका दूध नहीं पिएगा, ऐसा बहुत केसेस में हो जाता है, निप्पल कन्फ्यूजन हो जाती है, तो फिर वो मदर के मिल्क को प्रेफर नहीं करते। तो इसलिए आप 3 मंथ तक एटलीस्ट बच्चे को आप बॉटल ना दें और स्पून से ही दूध पिलाएं अगर आप पिला रहे हो। और स्टार्टिंग में बच्चे को आप 6 मंथ तक ना पानी दें ना आप खाना खिलाएं। 6 मंथ तक जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको कभी भी कुछ भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ आपको ब्रेस्ट मिल्क पिलाना या फॉर्मूला मिल्क जो भी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना। उनकी सारी रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क से पूरी हो जाती है, इस बात का भी आप खास कर ध्यान रखिए। एक और बात, आप बच्चों को पाउडर न लगाएं। आजकल आपने सुना होगा बच्चों को पाउडर लगाने के लिए मना कर रहे, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है, एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगी। बच्चों को काजल भी नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहते हो तो आप घर का काजल लगाएं। और बच्चों को घुट्टी भी ना दे, ग्राइप वाटर कुछ भी ना दे, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दें।
तो इन सारी बातों का, अपनी न्यूबॉर्न के से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बच्चे की हाइजीन मेंटेन रखें, बच्चे को शोर शराबे से दूर रखें। बिल्कुल भी इस टाइम पे आपको लाउड चीजें, मतलब लाउड म्यूजिक नहीं लगाना है, लाउड टीवी नहीं देखना है, हर चीज से बच्चों को दूर रखें। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, एक मतलब फूल की तरह आप समझ लो, बहुत नाजुक होते हैं इस टाइम पे जब उनका न्यूबॉर्न टाइम होता है, स्टार्टिंग जो दौर होता है, तो उस दौर में बच्चों को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो ये सारे टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं न्यूबॉर्न से रिलेटेड। तो न्यूबॉर्न बच्चे की हाइजीन मेंटेन रखें, उनको शोर शराबे में ना रखें, उनको 6 मंथ तक ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ भी ना दे, और उनकी अच्छे से केयर करें, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है इस टाइम पे, फीवर बहुत जल्दी हो जाता है, ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। तो उनको ठंड से भी बचाएं और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ना रखें, हर चीज़ का मतलब आप ध्यान रखें स्टार्टिंग में। तो ये थे मेरे टिप्स, आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच।